प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आपको सीधे लेके चलते हैं मथुरा, जहां पे हमारे संवाददाता नितिन कुमार मथुरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल से कर रहे हैं चुनाव पर खास चर्चा। मथुरा वृंदावन की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर जो समीकरण है और जो चुनावी लड़ाई है वो काफी अहम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई जो है इस वक्त टक्कर की है। पश्चिम में लगातार बीजेपी के जो सीनियर लीडर है वो बने हुए हैं, पश्चिम में ही समाजवादी पार्टी के जो सीनियर लीडर है वो बने हुए हैं, और प्रयास से ये इस बार जनता का मूड जान करके जनता के वोट को अपने पाले में खींचा जाए। लेकिन इस बार यहाँ की जो जनता है उन्होंने अलग एक रणनीति तय करी हुई है। उन्होंने ये जानते हैं कि उन्हें किन मुद्दों पर वोट देना है, क्योंकि उनका ये साफ तौर पर कहना है कि बीते 5 सालों में इस विधानसभा या फिर इस पूरे मथुरा में कहीं भी बेहतर तरीके से विकास नहीं हुआ, सरकार से थोड़ी नाराजगी है, और उसका पूरा का पूरा जो फायदा है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और जो रालोद का गठबंधन है उसे मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त इस विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल साहब हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि 5 सालों में बीजेपी ने मथुरा विधानसभा के साथ साथ पूरे मथुरा में कितना काम किया है, और जो आपकी टक्कर है, जो आपकी लड़ाई है, बहुत अहम है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री प्रदेश सरकार में श्रीकांत शर्मा साहब है, उनसे आपकी सीधी लड़ाई हो रही है, टक्कर बताई जा रही की है। लेकिन ऊर्जा मंत्री रहते हुए बिजली के काम को इस विधानसभा सीट पर कितने बेहतर तरीके से उनकी तरफ से किया गया है? मैं सिर्फ एक कहना चाहूंगा, मैं कह चुका हूँ मथुरा वृंदावन की जनता पहली बार विधायक बनेगी और मैं यहाँ का सेवक बनूंगा। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। जब मैं सादाबाद से विधायक था, मैंने वहां पे भी इतिहास रचा था कि 50 साल में लोग काम नहीं कर पाए, वो विकास मैंने 5 साल में करके दिया। और यहाँ पे भी मैंने लोगों से कहा कि जमुना मैया पे मैं काम करने का काम करूंगा। कल मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा मंच से, बंदरों से यहाँ बहुत ज्यादा संकट है, बंदरों को यहाँ से पकड़ करके हम जंगलों को छुड़वाने का काम करेंगे, वृंदावन को एक यूनिट की नगर पालिका बनाने का काम करेंगे। और जो श्रीकांत शर्मा ने यहाँ की जनता को जो ठका है मथुरा वृंदावन की जनता को, मैं चैलेंज देता हूँ श्रीकांत शर्मा को, बीजेपी के लोगों को चैलेंज देता हूँ कि वो 5 काम मुझे गिना दे, किसी चैनल पे बैठ जाए, हमें 5 काम गिना दे, तो 5 काम ये हमने अच्छे किए हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम तो काम के ही बल पर आए थे, काम के बल पर ही जीते। अब झूठ कोई बोले तो उसका तो मुझे कोई इलाज है नहीं। काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, यहाँ पे मयूर विहार बनाया वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, घाट बनवाए तो माननीय नेताजी ने बनवाए, माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने बनवाए, और जो है वृंदावन में जो पैसा लगाया माननीय अखिलेश यादव जी ने लगाया। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने वृंदावन के लिए पहले भी किया, मथुरा वृंदावन के लिए, अब भी मथुरा वृंदावन के लिए कहेंगे। वो कल कह करके गए वो इतना विकास कराएंगे जो मैंने उनसे कहा है, बंदरों पर वो काम करेंगे। और श्रीकांत शर्मा ने सबसे अच्छा एक काम किया है, मैं उसकी तारीफ करूंगा, तो उस दुष्ट को ये शर्म आनी चाहिए कि पूरे मथुरावन वृंदावन में उन्होंने डिजिटल मीटर लगा दिए। अच्छा, लोगों के यहाँ पे मुझे ये भी पता चला कि करीब 6,000 लोगों पर मुकदमा हुआ है, बिल्कुल बता रहा हूँ, 6,000 से 16,000 लोगों को पूरी मथुरा वृंदावन में लोगों पर मुकदमे काम हुए हैं। उन लोगों के खिलाफ जो अत्याचार हुआ उन लोगों के साथ हम खड़े हैं। इन डीजे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का दावा किया है, हम इन डिजिटल मीटरों को उतरवाएंगे जिससे कि जनता को लाभ मिल सके और एक्चुअल मीटर लगवाएंगे। कल हमने मान ली और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह रहे हम बिजली पे काम करेंगे, और 300 यूनिट जो बिजली है वो हमारे हर गरीब आदमी को मिल सके, जिससे कि 90% 95% लोगों का बिजली मिल जाए, जीरो मिल जाए। मेरी जनता के खिलाफ जो FIR होती थी, जो किसानों के खिलाफ FIR होती थी, किसानों को ट्यूबवेल की मुफ्त बिजली दे दी, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम माननीय जयंत चौधरी जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। ऐसा ऐतिहासिक काम कोई नेता नहीं कर सकता। मेरा एक सवाल ये है कि लगातार जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, चाहे मुख्यमंत्री हो गए या फिर गृह मंत्री हो गए, वो लगातार इसी बेल्ट में बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो किसान है वो नाराज है, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, और वो लोग तो ये कह रहे हैं कि किसान हमारे पुराने साथी हैं, हमारी बात मान जाएंगे, जाट हमारे जाटों से बहुत पुराने संबंध। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप पत्रकार बंधु हो, आप इस चीज को जाते हो, आपने तो खुद निकाला मीडिया में, उन्होंने किसान को आतंकवादी बताया, उन्होंने किसानों के साथ जुल्म किया, किसानों ने 700 किसानों को शहादत दी, उनकी 700 किसानों की, उनके मंत्री जो है, उनके लड़के जो है किसानों से गाड़ियां चला रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, किसान उनके साथ कहां से आ गया? और जब माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत चौधरी की रैली में भीड़ हमेशा आ रही है, तो इन्होंने फिर तुरंत कहा कि वो कानून वापस ले लिया। मैं कि मुकदमा भी हुआ था भीड़ वाले की वजह से, अब मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ, मेरे खिलाफ तो प्रशासन मुकदमा करेगा, सरकार उनकी या बीजेपी की,
उन्हें बताओ चुनाव हार रहे हैं। पांचों विधानसभा में योगी महाराज के बीजेपी के लोगों की जमानत जब्त होने वाली है और श्रीकाल से अगर बीजेपी का पट्टा हटा दिया है तो मात्र 500 वोट श्रीकाल के मथुरा वृंदावन में जा सकते। मात्र 500 वोट की बात कर रहा हूँ मैं, चैलेंज बोला 500 वोट जाए। अच्छा, यमुना की बात भी कही जा रही है, यमुना को साफ करने का काम किया जाएगा, लेकिन हम लोग कल यमुना पे भी गए थे लेकिन वहां पर जो हालात देखने को मिले वो काफी सवाल खड़े कर। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, श्रीकांत शर्मा ने तो ढोल बजाया कि बीजेपी के लोगों ने कब यमुना पे काम करेंगे। 18,000 करोड़ को ये खा गई बीजेपी के लोग, 18,000 करोड़ का हमने सफाई के लिए दिया यमुना की, ये कभी नहीं कर सकते। हमने कहा कि वृंदावन से लेकर के मथुरा होता हुआ गोकुल बैराज के आगे तक हम अंडरग्राउंड नाला निकलवाएंगे, उस नाले में मथुरा वृंदावन का पूरा पानी जाएगा और उससे पानी यहाँ मथुरा से जमुना जी में गंदगी नहीं जाएगी तो जमुना जी ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी। बाकी अच्छे घाट बनवा, अच्छे घाट बनवा करके, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कल कहा है कि अच्छे हम घाट बनवाएंगे, जिस तरह से हमने ग्रंथी में रिवर फ्रंट की तरह से काम किया वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, हम वृंदावन और मथुरा में। आप जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, जनता कितना सपोर्ट कर रही है और इस बार के नतीजे कैसे? आप पे मुझे भरोसा है, मेरी प्यारी बहुत भोली, मेरी बहुत अच्छी ब्रज की नगरी है, यहाँ की जनता बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ इस ब्रज की नगरी में देश विदेश के, हमारे देश के भी विदेश के भी लोग आते हैं, इसी वजह से हम नगर पालिका एक रेड की वृंदावन को बनाना चाहते हैं जिससे कि वहाँ स्वच्छ सफाई रहे, मथुरा में अलग स्वच्छ सफाई रहे, जो गलियां और वो खंडर पड़ी हुई है उनमें सब में आरसीसी हो, पानी की व्यवस्था हो, जल भराव खत्म हो, जो जल भराव कॉलोनियों में वो खत्म हो। जिन्होंने तो केवल इस तरीके की राजनीति की, बीजेपी के लोगों ने कहा ये लोग मुझे वोट नहीं दे रहे थे, यहाँ विकास नहीं कर रहा। कल मैं जाटे बस्ती में गया, मुस्लिम बस्ती में मैं कल गया, वहाँ लोग त्राह त्राह कर रहे थे, पानी भर रहा उनकी कॉलोनी में और बेचारे दुखी थे। मैंने उनसे कहा क्योंकि मैंने बीजेपी के लोगों को बता के मैंने जाटे वोट देता ना मुस्लिम वोट देता, तो इन्होंने उनके यहाँ काम ही नहीं कराया। इनसे पूछिए कि आपने विकास कहाँ कराया, कौन सी जगह विकास कराया, विकास की परिभाषा हम सिखाएंगे इन्हें बीजेपी वाले लोगों को, तो देखो विकास की परिभाषा ये होती है, विकास ऐसा होता है जो जनता बोले मुंह से उसे विकास कहते हैं, और जो जनता नेता को गालियां दे रही है तो विकास कहाँ है। तो ये लोग किस विकास की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जनता तारीफ, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, इनका काम झूठ बोलने का है। मैंने आपसे कहा कि किसान उन्हीं किसानों को आतंकवादी बता रहे, कोई किसान इनके लिए अच्छा होगा कानून वापस हो गए, तो आपने खुद देखा है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा इस वक्त समाजवादी पार्टी की लहर है पूरे प्रदेश में, गठबंधन की सरकार, हर जाति का व्यक्ति, नौजवान हर जाति का व्यक्ति समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट देना चाहता है, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता है, नौजवानों के नेता, नौजवानों की इन्होंने रोजी रोटी छीन ली, किसी नौजवान को इन्होंने नौकरी नहीं दी, नौकरी के नाम पर वेकेंसी निकाली और वेकेंसी निकाल के जब नौजवान जाकर के डाटा तो दे रहे की 6.5 लाख नौकरियां दे दी, सब कुछ झूठ बोल रहा है उनके काम झूठ बोलने का, दिखाया हमें कहां 6.5 लाख नौजवान को उन्होंने नौकरी दे दी। जब वेकेंसी निकालते, वेकेंसी निकालने के बाद जवान, हमारा नौजवान फॉर्म भरता है, फॉर्म भरने का जब एग्जाम लेता है और एग्जाम करके जब वो घर वापस नहीं आता तब तो कहते हैं पर्चा लीक हो गया, वेकेंसी कैंसिल हो गई, तो बताएं तो सही कि कहां इन्होंने वेकेंसी भर दी, कहां इन्होंने दे दी नौकरी नौजवानों को। अब बात करते हैं योगी जी लाल टोपी की, तो मैं कहना चाहता हूं कि 70% महात्मा लाल पहनते हैं कपड़ा लाल, माँ भगवती जो हमारी देवी है उनका चोला लाल, उनका जो वस्त्र वो लाल है, हनुमान जी का चोला लाल, जो हनुमान जी पे भक्ति करेगा, जो हनुमान जी पे चोला चढ़ाएगा वो राम जी की भक्ति मिलेगी। कोई बयान भी आया था कि गर्मी बहुत हो गई है, गर्मी खत्म करने का मुख्यमंत्री जी, मैंने आपसे कहा मुख्यमंत्री का काम झूठ बोलने का है, बाबा जी से कहो कि आराम से जाकर के अपना धुआं निकाले, मस्त रहे, कहां चक्कर में फंस गए, क्यों बेकार अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, भगवान का भजन करेंगे तो ज्यादा अच्छे रहेंगे। जनता के लिए क्या कहेंगे? जनता के लिए कहेंगे, जनता मेरे यहाँ की पूरे मथुरा वृंदावन की तो अच्छी है, या पूरे प्रदेश की जनता अच्छी है, इस बार माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अखिलेश, माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे युवा नेता है कि उन्होंने 5 लाख लोगों को, शिक्षा मित्रों को और मास्टरों की भर्ती की, 1.5 लाख पुलिस में भर्ती की, उन्होंने सारी भर्तियां की, और कल भी वो कह के गए मंच से लोगों को कि जो हम पेंशन है उस पेंशन को बहाल करेंगे और नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे, नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को वोट करेगी, समाजवादी पार्टी को वोट करेगी, गठबंधन को वोट करेगी और बीजेपी की पूरे प्रदेश में जमानत जब्त होने जा रही है। बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं, योगी जी महाराज बौखलाए हुए हैं। आप देखो पहले तो मथुरा से लड़ रहे थे योगी जी महाराज, मैं तो, मेरा तो सौभाग्य होता है योगी जी महाराज मेरे आगे लड़ते तो मैं तो खुश होता, मैं कोई दुखी नहीं होता, मुझे खुशी होती
कि कम से कम योगी जी महाराज के सामने लड़ने का मुझे भी मौका मिलता। फिर इसके बाद पहुंचे गए अयोध्या, लड़ लूंगा, अयोध्या भी नहीं लड़ पाए, अब अपने घर में पहुंच गए गोरखपुर। तो मुझे लग रहा है कि गोरखपुर से लौट के लखनऊ तो आएंगे नहीं, गोरखपुर में ही रहेंगे, अब उनका जमावड़ा खत्म होने वाला है। धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। तो ये थे देवेंद्र अग्रवाल, इस मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, और साफ तौर पर इनका कहना है कि इस बार यहाँ का जो समीकरण है, यहाँ की जो जनता है वो विकास के नाम पर वोट देगी, क्योंकि पिछले 5 साल में यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है और इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन दीपक साहब, मैं नितिन, प्राइम टीवी। नितिन कुमार ने मथुरा वृंदावन सीट से प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल से खास बातचीत की, और इस खास बातचीत में जाना कि क्या कुछ सपा के मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेके जनता के बीच जा रही है और विकास करेगी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।